डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से देखें किस तरह से मैं काम करता हूं। ये देखें, इस फॉर्मेट पे भी काम करना है हमें, इस फॉर्मेट पे भी काम करना है, इन पे भी करना है, इन पे भी करना है और इसके ऊपर भी करना है। तो अब आइए, ये हमारे अकाउंटेंट वर्क दूसरा है, दूसरा लेसन है, इसको अच्छी तरह से देखिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें कैश से भी लेन देन है और बैंक से भी लेन देन है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। यही फॉर्मेट आप अपनी एक्सेल पे बना सकते हैं और बहुत आराम से काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कैश में भी लेन देन है और एमसीबी, मैंने एमसीबी नाम दे दिया, एमसीबी बैंक, इससे भी लेन, भले बैंक का कोई भी नाम हो सकता है। तो सपोज किया कि हमारे पास 1/1/24 को हमारे पास कैपिटल था, कैपिटल था हमारे पास, कैपिटल और वाउचर नंबर, यानी कि रिसीव वाउचर है तो आप लिख दें RV1 रिसीव वाउचर, और यहां पे आपने जो है सपोज किया 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अच्छा, ये तो कैश में कैपिटल था। अब इसी तरह से आपके पास हो सकता है कि आपके पास जो है बैंक में भी कैपिटल हो, यानी कि बैंक में भी आपके पास पैसा हो, तो आप इसको जो है RV2 कर दें, यानी कि रिसीव वाउचर 2। अब वाउचर किस तरह से बनाए जाएंगे, इसमें कहां से ये एंट्रियां आ रही है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये कहां से है। लेकिन आप, आपको तो पता है कैपिटल के, ये रिसिप्ट, ये जितना भी पैसा आता है हम रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं, ये जो रिसिप्ट साइड है, ये जो रिसिप्ट, ये रिसिप्ट साइड है। यानी कि कैश में अगर पैसा था तो ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास जो है अगर बैंक में भी पैसा, सपोज किया कि बैंक में हमारे पास जो हमने जमा करा दिए पैसे और वो हमारे पास है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो वो आपके जो है ये आपके पास यहां पर ये 2 लाख रुपए जो है आपके पास ये आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 लाख हैं और इसमें 2 लाख हैं, आपने यहां लिख लिया, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे अब हम जो है अगर कैश से, कैश में हमारे पास अगर हम पेमेंट करते हैं 2/1/24 को हम एक पेमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे फर्नीचर की, फर्नीचर की हम पेमेंट करते हैं, तो ये आपका यहां पे आप लिख दें PV1 और PV1, और यहां पे आपने पेमेंट में लिख दिया आपने 10,000 रुपए की आपने पेमेंट करी, ठीक हो गया। ये आपने कैश बुक से पेमेंट कर दी, ठीक है। अब यहां पर जो है आपने क्या किया कि 3/1/24 को आपने यहां पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मशीनरी एंड इक्विपमेंट लिख रहा हूं, और इसका वाउचर नंबर आप यहां पे दे दें PV2 पेमेंट वाउचर टू, और यहां पे आपने सपोज आपने पेमेंट करी है 40,000 की, तो ये 40,000 आपका यहां आ गया, ये पेमेंट हो गई। अब इसमें जो है एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो देखना होगी, मिसाल के तौर पे फिर हम एक ही पेमेंट करते हैं 3 तारीख को, फिर यहाँ पे 3/1/24 और यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये हमारा हो जाएगा PV3 पेमेंट वाउचर 3, और ये हमने की 5,000 रुपये की, और यहाँ पे 4/1/24 और यहां पे हमने फर्नीचर की पेमेंट करी, और ये PV4 हो गया, सॉरी ये वाउचर नंबर PV4 हो गया, और इसका चेक नंबर मैं यहां दे देता हूं, ये सपोज चेक नंबर है 373701 और यहां पे इसका चेक नंबर है, यहां पे 373702 और यहां हमने पेमेंट कर दी इसकी मिसाल के तौर पे 13,000 रुपए, ठीक हो गया ये 13,000। अब आपने देखा कि जो भी पैसा आएगा वो रिसिप्ट साइड पे लिखा जाएगा, जो भी पैसा जाएगा पेमेंट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरह से जो, यानी कि इस वक्त आप कैश और बैंक दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इस तरह से लिखने का तरीका। अब ये आ कहां से रहे, ये वाउचर से आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देखें,
इस तरह से आपने ये फर्नीचर की और मशीनरी एंड इक्विपमेंट की आपने यहां से भी पेमेंट कर सकते हैं, और फर्नीचर और मशीनरी एंड इक्विपमेंट की आप यहां भी पेमेंट कर सकते हैं। ये इस फॉर्मेट पे काम करने का तरीका है। जो भी आप अगर सेल आ रही है, मिसाल के तौर पर 5 तारीख है, 5/1/24 सेल, आपने सेल लिखा यहां पे, और ये आपका हो गया रिसीव वाउचर, रिसीव वाउचर टू, और यहां पे आपके इसका चेक नंबर आ गया, तो ये यहां पे आपके मिसाल के तौर पे 14,000 यहां पे आ गए आपके, ठीक हो गया। और अगर आपका यहां पे जो है 6/1/24 और यहां पे अगर आपका सेल आता है, सेल आपका आता है यहां पे, और ये आपका हो जाएगा रिसीव वाउचर 3, और ये आपका यहाँ पे चेक नंबर, सपोज करते हैं ये चेक नंबर है, क्योंकि ये चेक तो कहीं और से आया, इसका चेक नंबर 3737 नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये अमाउंट आया है। आपने देखा कि हमारा, हम रिसिप्ट में भी काम, हम जो है कैश में भी काम कर रहे हैं, और हम जो है बैंक से भी काम कर रहे हैं। अब बताने का मतलब ये था कि आपने देखा ये इस फॉर्मेट में हम इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। यही काम हम इस कैश बुक पे भी कर सकते हैं, यही काम। अब किस तरह से करेंगे आप देखें, मैं आपको बताता हूं। देखें, अब इसका ये रिसीट साइड यहां पे आ रहा है, पेमेंट साइड यहां आ रहा है, इसमें सिर्फ कैश का काम किया और इसमें हमने बैंक का काम किया, लेकिन इस कैश बुक में हम, अब देखें इस कैश बुक में किस तरह से हम कर सकते हैं। ये आपने यहां की, इसको आपने इसका वाउचर नंबर यहां लिया हमने, और इसको यहां पे आपने रिसीट के अंदर यहां पे लिखा, और इसका अमाउंट कितना है जनाब, इसका अमाउंट है 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए आपने यहां पे कैश में 3 लाख रुपए आपने यहां दिखा दिया, ठीक हो गया ये रिसीप्ट साइड। अब इसमें जो है, देखिए हमने अलग अलग लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पे। अब इसके अंदर जो है आपने यहां से आपने कॉपी किया ये, और यहां पे अगर यहां पे आपको ये जो है पेमेंट करना पड़ेगी, और इसका अमाउंट 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए, ये 2 लाख, और ये 2 लाख आपने यहां पे, यहाँ पे बैंक कॉलम में लिखेंगे आप, कैश कॉलम में नहीं, बैंक कॉलम में। तो आप देखें कि ये हमारा 5 लाख यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट्स हैं, ये रही पेमेंट्स हमारी तमाम, तो ये तमाम की तमाम पेमेंट्स आपने, और इसका वाउचर नंबर, ये यहाँ से पेमेंट्स हमने ली, यानी कि जो पहले पेमेंट आई है, यानी कि 2 तारीख को पहले पेमेंट है, आपने ये 2 तारीख की पहले पेमेंट ली यहाँ पर, और ये है आपकी 10,000 रुपये यहाँ पे आए, और ये पेमेंट आपने यहाँ पे करी, और ये 10,000 रुपये आपने यहाँ कैश में लिखा, ये कैश में आ गया आपका। उसके बाद फिर एक 2 तारीख, फिर 3 तारीख को, 3 तारीख को पहले ये ले लें या ये ले लें, कि वाउचर नंबर 3 तारीख को ये है पहले वाउचर नंबर, तो आपने इसको लिया, तो इसका चेक नंबर भी लिया आपने, यहाँ से कॉपी किया और इस कैश बुक में आया, और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और ये चेक नंबर आ गया। अब इसमें आपका अमाउंट है 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये बैंक के कॉलम में आपने यहाँ लिख दिया, ये 40,000 यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद फिर आप देखें कि हमारे पास जो है ना पेमेंट वाउचर है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को आपने ये ले लिया, और इसकी 5,000 रुपये पेमेंट है, ये आपने यहाँ आए और यहाँ पे आपने, और 5,000 पेमेंट आपने कर दी। ये पेमेंट आप देखें कैश से हुई है 5,000, तो आप यहां पे कैश में लिख देंगे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपने ये कैश में लिख दिया यहां पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास फिर ये पेमेंट है यहां पे, ये चेक वाली, और इसका अमाउंट है जनाब 13,000 रुपये, आपने 13,000 रुपये यहां पे लिखा, और ये यहां पे 13,000 रुपये आपने यहां लिख दिया, ठीक हो गया। लेकिन ये एक तरीका हो गया यहां पर आपका, ठीक है। अच्छा, इस ये अब इसके बाद इसमें एक चीज और भी है, सेल है, ये सेल आप देख रहे हैं कि ये सेल है आपके पास, आपने यहां से को इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे आपने पेस्ट कर दें इसको, और ये सेल हमारे पास कितनी है, सेल 14,000 है, 14,000 आपने यहां पे कैश बुक में 14,000 यहां दिखा दिया आपने, ये 14,000 यहां दिखा दिया आपने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद और सेल कहां है, और सेल हमारे पास ये है, यहां मौजूद है, तो ये 6,000 रुपये है, और आपने ये यहाँ पर आके ये हमारे बैंक के कॉलम में आ जाएगा, ये 6,000 हमारा यहाँ बैंक के कॉलम में आएगा, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये तमाम चीज़ आ गई। अब इसको आप किस क्या करेंगे कि इसका आपने यहाँ टोटल लेना है, आपने यहाँ आपने इसका सम लिया, और ये
यहाँ तक ये टोटल लिया आपने, ठीक हो गया। फिर इसी की कॉपी कर लें तो इसका टोटल भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आ गया, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखें आपका यही टोटल बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया कि प्लस लगाएं और इसको ले गए आए यहाँ पे कैश, सॉरी यहाँ पे नहीं, कैश के कॉलम में यहाँ पे आपने प्लस किया और इसको भी यहाँ पे भी इसको इंटर कर दें। फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाइए और फिर ये भी लेके यहाँ आ जाएं आप, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया कि एक तो आपने देने हैं यहाँ पे जो है इसको ब्रैकेट, ये आपने इसको डार्क करना है, ठीक है। और यही इसका टोटल जो है इसके यहाँ पर, यहाँ पे जो है यही इसका टोटल आप ले लें, ये आ जाएगा। फिर इसका टोटल भी यहाँ ले लें आप, ये टोटल यहाँ ले लें आगे। और अब इसमें यहाँ पे आपने लिखा प्लस और यहाँ आए, फिर माइनस और यहाँ जाएं आप, इधर इंटर कर दें इसको, ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पे इसी की कॉपी कर लें तो ये भी आपका यहाँ आ जाएगा, ये देखें। अब आपने देखा कि ये आपका जो है कैश इन हैंड है, ये मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको, और ये आपका कैश एट बैंक है, ये आपका कैश एट बैंक है और ये हमारा टोटल है, ये हमारा टोटल है। अब इसको अगर आप इसको, अब इनको जो है हम लेजर में किस तरह से लेके जाएंगे और इसमें इस लेजर में ले जाना है और हमें जो है इस पे काम करना है, तो इसके लिए इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो है कल इस पे काम करेंगे लेजर पे, और इस पे हम कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक रखता हूँ ताकि इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर यहीं से कल दोबारा मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।